जब हम पौधों को पानी देते हैं तो कुछ ही पानी पौधों के काम आता है, बाकी का पानी व्यर्थ हो जाता है या वाष्पीकरण से उड़ जाता है। फसल अमृत उसी अतिरिक्त पानी को सोख लेता है और जैसे जैसे पौधे को जरूरत होती है वैसे वैसे उसको देता रहता है। फसल अमृत को हम दो तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका है छिड़काव विधि, जिसमें फसल अमृत को मिट्टी में मिलाकर समान रूप से छिड़काव करते हैं, फिर खेत की तैयारी करते हैं। दूसरा तरीका है सीड ड्रिल विधि। अगर आप बुआई के समय सीड ड्रिल काम में ले रहे हो तो बीज के साथ फसल अमृत को मिलाकर सीड ड्रिल की मदद से बुआई कर दें। हमने हमारे खेतों में फसल अमृत उत्पाद का प्रयोग किया, उसमें पानी की भी बचत हुई, फसल भी अच्छी हुई और आमदनी भी बढ़ी हमारी। से पानी की कमी के बावजूद भी किसान अच्छी पैदावार कर रहे हैं और इस फसल प्रयास के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। फार्मरिज ने एफ पॉलीमर के साथ 3000 से भी ज्यादा किसानों का कैपेसिटी बिल्डिंग किया और हमारे सारे किसान जिन्होंने फसल अमृत का उपयोग किया था, अभी ये जब तूफान आया तब इरिगेशन सोर्सेज सारे जो है ड्राइप हो गए थे, बारिश भी खिंच गई थी, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, तो फसल अमृत ने एक बीमा की रूप में जो है उभर के किसानों को फसल को बचाने के लिए बहुत ही बड़ा इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया है फसल अमृत ने। और हमारे किसान आज बहुत ही निश्चिंतता से अभी खेती कर रहे हैं कि कोई भी क्लाइमेट चेंज फेनोमेनन हो जाए पर फिर भी फसल अमृत उनकी फसल को जो है बचा ले। बहुत से किसान मुझ पर हंसते थे और कहते थे कि अच्छे अच्छे फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, फिर फसल अमृत पे क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो। पर फिर भी मुझे डर था कि किसी भी अनहोनी की वजह से मेरी फसल खराब ना हो जाए, इसीलिए मैंने फसल अमृत पर विश्वास करके अपने खेतों में इसका इस्तेमाल किया। इस मुसीबत के समय में भी कम पानी में मेरी अच्छी पैदावार हुई। अब से मैं मेरी हर फसल के अंदर फसल अमृत का इस्तेमाल करूंगा और हमारे सभी किसान भाइयों को फसल अमृत इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। फसल अमृत किसानों के लिए एक बीमा समान है जो किसी भी तरह की प्राकृतिक विपदा आने पर या पानी की कमी होने के बावजूद कई दिनों तक पौधों में नमी बनाए रखता है और उन्हें पोषक तत्व प्रदान करता है, जिसके बेहतर पैदावार होने से किसानों की आय भी बढ़ती है और उन्हें उनकी मेहनत का अच्छा फल मिलता है।